जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं लगातार आप तमाम मित्रों के सामने रख करके। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि राहुल गांधी की जब यात्रा ये शुरू हो रही थी तो पता था कि इन दो राज्यों में चुनाव आ जाएंगे, बिल्कुल निकट भविष्य में आने हैं, और इन सारी चीजों को सोचते हुए ही इसको प्लान किया गया था। और इसमें राहुल गांधी की भूमिका स्पष्ट है कि राहुल गांधी पार्टी में एक सांसद मात्र हैं, इससे ज्यादा उनका कोई पद नहीं। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पार्टी के जो मौजूदा अध्यक्ष जो अब बने हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष, वो अध्यक्ष फैसला लेंगे कि उनकी भूमिका क्या होगी, लेकिन यात्रा अनावरत जारी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, राहुल गांधी कहीं किसी भी चुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे, वो अपने भारत जोड़ो जो उनका एक प्रकार से ये सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन दोनों मिक्स है, इसको ये करेंगे और इसके जरिए उस भारत को जोड़ेंगे जो भारत कटता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। चूंकि इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, इसलिए उसे चुनावी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए और इसको यूं ही देखना चाहिए कि आजादी के पहले एक चीज थी कि एक तरफ गांधी अपनी तमाम तरह की यात्राएं, तमाम आंदोलन चला रहे थे और दूसरी तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार बनाने की नीतियां तय कर रहे थे, सरदार पटेल और ये सारे लोग, मौलाना साहब। तो वही स्थिति है कि आप सारे मिलकर के कैसे क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, उस दिशा में काम करो और हम उस दिशा में काम करेंगे जिस दिशा में जोड़ने की जरूरत है, मैं संदेश पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि आज जो चरण चुंबक मीडिया है, वह मीडिया सच को दिखाना नहीं चाहता है और जब सच को न दिखाना चाहता हो तो उन हालात में निश्चित रूप से एक स्थिति ये पैदा होती है कि कैसे उसे जनता तक ले जाया जाए। और इस बात को हर जगह राहुल गांधी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्या हालात है और क्यों हमें जरूरत पड़ी इस यात्रा की। तो जो राहुल गांधी कहते हैं उस दृष्टिकोण से यह निश्चित रूप से बिल्कुल जरूरी है कि उस दिशा में काम किया जाए और पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। रही बात जिन राज्यों में चुनाव है और वहां जिन नेताओं को जाना चाहिए, वो नेता फ्री है, उनका इस यात्रा में कहीं कोई भूमिका नहीं है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि उसका और दोनों चुनावों के उससे कोई कंसर्न नहीं है। बाकी लोग जो जिनकी ड्यूटी गुजरात में लगनी है या जिनकी ड्यूटी हिमाचल में लगनी है, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में कहीं कोई बहुत पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है, स्थानीय जो प्रांत है, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या सीएलपी लीडर्स हैं या जो है, वो लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एआईसीसी से लोग जाते हैं, लेकिन जो भारत यात्री हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। अब आप गुजरात में जरूर एक चीज देख लीजिए, मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की वहां परिवर्तन रैली चल रही है, वो जो परिवर्तन यात्रा है, वो इतनी ज्यादा उसे समर्थन मिल रहा है जगह जगह, उसे मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा है, पहली बात। दूसरी, हिमाचल में जो है कांग्रेस पार्टी की पूरी सवा महीने, पूरे कांग्रेस पार्टी का हर जिले, हर कस्बे, हर इलाके से होते हुए रोजगार यात्रा निकली, उसे किसी ने नहीं दिखाया है और उन दोनों को बहुत बड़ा समर्थन मिला है। और उन यात्रा के दौरान जो जो बातें बता रहे थे विक्रमादित्य, जो बेटे हैं वीरभद्र सिंह के, वही सारी बातें श्रीमती प्रियंका गांधी ने अपनी रैली के दौरान उनमें मोहर लगा दी और उन्होंने वो स्पष्ट कर दिया कि हम कैसे 1,00,000 नौकरियां देंगे, कैसे 5,00,000 लोगों के लिए रोजगार देंगे और फर्स्ट कैबिनेट में क्या क्या फैसले लेंगे। तो ये बड़ी चीज है और ये हिमाचल के लिए आज बड़ी चीज है। इसी तरीके से आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा में जाने के जस्ट पहले एक दिन राहुल गांधी गए थे गुजरात और वो अपनी जो गारंटी है, वो गारंटी 8 गारंटी 7 गारंटी जो भी है,
वो वहां पर वो बता आए थे, और अब उसे आगे बढ़ाने